Everyone and welcome back to my channel. Myself Dr. Surbhi Sani. Hope you are doing great. Today I come forward with all the queries regarding the NEET MDS 2023 form, how to apply. I come forward with the solution to all your queries regarding the NEET MDS 2023 examination. First query is, अगर आपकी इंटर्नशिप एक्सटेंशन पीरियड में है तो क्या आप एलिजिबल हैं नीट एमडीएस 2023 के लिए या नहीं. सी इट इज क्लियरली मेंशन कि ऑफिशियली आपकी इंटर्नशिप 31 मार्च 2023 से पहले या उस डे तक खत्म होनी चाहिए. अगर उसके बाद आपका एक्सटेंशन पीरियड है तो भी आप एलिजिबल हैं कि आप फॉर्म भर सकते हैं, राइट. क्योंकि ऑफिशियली लिखा जाएगा कि 31 मार्च 2023 पे आपकी इंटर्नशिप खत्म हो चुकी है, उसके बाद एक्सटेंशन पीरियड काउंट नहीं होता. तो डेफिनेटली यू कैन फिल द फॉर्म अप्लाई फॉर नीट एमडीएस 2023 एग्जामिनेशन. पर ऑफिशियली ही आपकी लेट इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है, लेट्स से मई में हुई है, जून में हुई है, जुलाई में हुई है, कभी भी हुई है. अगर ऑफिशियली ही लेट स्टार्ट हुई है, लेट्स से कि मई 2022 में हुई थी स्टार्ट, तो वो खत्म होगी ऑफिशियली मई 2023 में. एंड देन उसके बाद आपका एक्सटेंशन पीरियड होगा, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल द फॉर्म ऑफ नीट एमडीएस 2023 टिल नाउ, राइट. सो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था. बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे रिगार्डिंग दिस, तो मुझे लगा कि डेफिनेटली हमें इसे क्लियर करना चाहिए. सेकेंड चीज यहाँ पे है कि प्रोविजनल डिग्री. कुछ स्टेट्स में प्रोविजनल डिग्री रहती है, वो अप्लाई कर सकते हैं, डाल सकते हैं. कुछ स्टेट्स में नहीं भी मिलती हमें प्रोविजनल डिग्री. तो और आप जब फॉर्म फिल करेंगे उसमें प्रोविजनल डिग्री पे इम्पोर्टेंट या मैंडेटरी मार्क भी नहीं है. तो अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री नहीं है तो भी आप फॉर्म आसानी से फिल कर सकते हैं, राइट. तीसरा फीस को लेके जो इश्यू है, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस है वो है 4,250 रूपीज और बाकी सारी कैटेगरीज के लिए 3,250 रूपीज. मेरा ये रिक्वेस्ट है सभी एस्पिरेंट से कि आप फॉर्म को जितनी जल्दी हो सके उतना ही भरें, डिले ना करें, क्योंकि लास्ट में सर्वर के इश्यू आ सकते हैं, चांसेस कुछ भी हो सकते हैं, तो रिस्क ना लें. उसके अलावा जब आप फॉर्म फिल करें तो डेफिनेटली एक वहां पे फोटो आएगी एज लाइव फोटो. आपको एट प्रेजेंट लाइव फोटो डालनी होगी, इसलिए आप फॉर्म अगर किसी और से भी फिल करवा रहे हैं, कुछ भी है, आपको वहां लाइवली होना चाहिए ताकि आपकी लाइव फोटो वहां पे क्लिक होके पोस्ट हो सके फॉर्म फिल करते वक्त. उसके अलावा नेवर एवर यूज वेरी ओल्ड फोटो इन योर फॉर्म्स, ठीक है. आपको रीसेंट से रीसेंट फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो हमें फिल करनी है. उसके अलावा आप सिग्नेचर की अगर हम बात करें तो सिग्नेचर ना तो बहुत बोल्ड लेटर्स में बहुत लंबा बड़ा करना है, ना ही शॉर्ट फॉर्म्स चलेगी. लेट से मेरा नाम है सुरभि साहनी, तो मैं S.S करके साइन नहीं मारूंगी, ठीक है. सुरभि साहनी पूरा भी नहीं लिखूंगी, आई मेक समथिंग जस्ट से S.Sahani, राइट. सो इन दैट वे आपको साइन करना होगा. तो साइन में ये ध्यान रखें कि शॉर्टकट वाले साइंस जो है वो अलाउड नहीं है. थंब प्रिंट की जहां तक बात करें तो ब्लू और ब्लैक कलर इज इम्पोर्टेंट, आपका थंब प्रिंट उसी में होना चाहिए. दैट्स ऑल अबाउट द ऑल क्वेरीज रिलेटेड टू दिस. अब दोज पीपल हु आर नॉट एलिजिबल रिगार्डिंग द फिलिंग ऑफ दिस नीट एमडीएस 2023 फॉर्म्स, वो क्या करे. डेफिनेटली हम उसके लिए ये कर सकते हैं कि वो केस फाइल करें, पिटीशन करें, वो रिक्वेस्ट करें कि डिले हो जाए थोड़ा सा. डिले इन द सेंस कि इंटर्नशिप वालों को अलाउ कर दिया जाए. नियरली अबाउट अभी तक जितने भी मेरे पास मैसेजेस वगैरह आए हैं उसको देखते हुए ऐसा है कि 4,000 के अप्रोक्स बच्चे हैं जिनका ये डिले हो रहा है, इंटर्नशिप डिले होने की वजह से दे आर नॉट एलिजिबल टू फिल द फॉर्म ऑफ दिस ईयर. बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट. इफ एनी चेंजेस कम इन नीट एमडीएस 2023, डेफिनेटली इट विल बी अपडेटेड ऑन दिस चैनल. सो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल. दैट्स ऑल अबाउट द ऑल क्वेरीज रिलेटेड टू द नीट एमडीएस 2023. फिर भी किसी को कोई क्वेरी है तो यू कैन डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी विच इज शोन ऑन योर स्क्रीन. एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी एज वेल एज यू कैन ऑल्सो ड्रॉप मी द मेल विच इज शोन ऑन योर स्क्रीन. गुड लक गाइज.